असलम को स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नीडल में वॉच एल्गोरिथम को, जो हमारे पास, जिसको हम ग्लोबल अलाइनमेंट भी कहते हैं। तो हमारे पास ये टू सीक्वेंसेस गिवन होंगी, ठीक है, और ये मैच मिसमैच और गैप भी गिवन होगा, आई मीन क्विज मिड फाइनल और असाइनमेंट वगैरह में, ठीक है। और हमने क्या करना है कि फर्स्टली तो हमने जो है ना ये सीक्वेंस वन को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये टू बॉक्सेस हमने छोड़ देने हैं, ये बॉक्सेस आपने खुद ही बनाने हैं, ठीक है। ये जो जितने बने हैं, ठीक है, जितने हमारे पास सीक्वेंस गिवन होगी, जितने कैरेक्टर्स उसमें होंगे, हमने उतने मतलब ये बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है। टू हमने छोड़ दिए बॉक्सेस, तो हमने सीक्वेंस वन लिखना स्टार्ट कर दी, जी सी ए टी जी सी यू। अब हमने सीक्वेंस टू लिखनी है, फिर हमने टू बॉक्सेस ऊपर से छोड़ दी और यहाँ पर लिखा जी ए टी, फिर टी है, फिर ए सी एंड ए। ये हमने इतना काम कर लिया, क्योंकि इतना तो आपको गिवन होगा क्विज मिड फाइनल में, तो आपने नेक्स्ट आपने ये करना है, ठीक है। और ये बॉक्सेस आपने खुद बनाने हैं, जितने और अगर और होते तो हम और यहाँ पर लिखते और बॉक्सेस बना लेते, ठीक है। फर्स्टली आपने ये लास्ट में यहाँ से ये टू छोड़ने हैं, और यहाँ से भी इस सीक्वेंस के ऊपर से भी टू बॉक्सेस फ्री होने चाहिए, और इस सीक्वेंस से भी पहले टू बॉक्सेस फ्री होने चाहिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर ज़ीरो दे देना है, ठीक है। हमेशा आपने जब भी नीडल में वॉच एल्गोरिथम को करना है, तो पहले आपने सीक्वेंसेस दोनों लिखने हैं, उसके बाद आपने यहाँ पर ज़ीरो दे देना है, और फिर आपने क्या करना है, जो हमारे पास गैप की वैल्यू है उसको यहाँ पर ऐड करते जाना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। गैप क्या है, माइनस वन। हमेशा आपने यहाँ क्या करना है, जब भी यहाँ आपने स्टार्ट करना है, तो जो भी गैप की वैल्यू होगी, यहाँ पर अगर टू होता, थ्री, माइनस थ्री, जो भी होता, हम यहाँ पर ऐड करते जाते। तो अब माइनस वन है, तो ज़ीरो में माइनस वन ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस वन होगा, तो ये फिर माइनस टू हो जाएगा। माइनस वन में माइनस वन ऐड किया तो माइनस टू हो गया ना, माइनस टू में माइनस वन ऐड अगेन करेंगे तो माइनस थ्री, इसमें फिर माइनस वन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन। अब हमने यहाँ पर भी यही करना है, तो यहाँ पर भी माइनस वन आ जाएगा, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, जो भी गैप गिवन होगा हमने यहाँ पर ऐड करते जाना। ये टीचर पर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या देते हैं, आई मीन जो भी उन्होंने देना है, मैच मिसमैच गैप जो भी वो गिवन देंगे, यहाँ पर ज़रूरी नहीं वन नहीं हो, वो फाइव टू थ्री कुछ भी दे सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको फिल करना है। अब नेक्स्ट हमने देखना है ये वाला बॉक्स हमने फिल करना है, इतने बॉक्सेस हमने फिल कर लिए हैं जो कि हमेशा ऐसे ही होने हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये देखना है ये मैच है या मिसमैच है, ठीक है। हम इस रो में हैं तो ऑलवेज यहाँ, जब हम ये पूरी रो फिल नहीं कर लेते, आपने यहाँ से फिंगर नहीं उठानी, यहाँ पर आपने फिंगर रख लेनी है, यहाँ पर देखना है यहाँ पर जी है और ये बॉक्स फिल करना है, तो यहाँ पर ऊपर जी है, इस बॉक्स के ऊपर जी है। तो हमने देखना है ये मैच या मिसमैच है, तो जब भी मैच या मिसमैच होगा, डायगनल की वैल्यू में हम मैच या मिसमैच की वैल्यू को ऐड करेंगे, जो भी डायगनल में पड़ा होगा, जो टॉप में पड़ा होगा उसमें गैप की वैल्यू को ऐड करेंगे, और जो लेफ्ट में पड़ा होगा उसमें भी गैप की वैल्यू को ऐड करेंगे। इन टॉप और लेफ्ट में ऑलवेज गैप की वैल्यू जो हमें गिवन होगी उसको ऐड करते जाना है, और जो डायगनल है अगर तो मिसमैच है तो हम मिसमैच की वैल्यू ऐड करेंगे, अगर मैच है तो हम मैच की वैल्यू ऐड करेंगे। अब हम देखते हैं जी और जी दोनों मैच हैं, तो डायगनल में अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर डी, जो कि डायगनल को रिप्रेजेंट करता है, मैंने और मैंने यहाँ पर बता दिया हुआ है, मैंने टॉप को टी कह रही हूँ, लेफ्ट को एल कह रही हूँ। तो टॉप डायगनल में क्या पड़ा हुआ है, इस बॉक्स के डायगनल में पड़ा हुआ है ज़ीरो, तो हम यहाँ पर ज़ीरो लिख देंगे। टॉप पे पड़ा हुआ है माइनस वन, तो यहाँ पर हम माइनस वन लिख देंगे। और लेफ्ट में पड़ा हुआ है माइनस वन, तो यहाँ पर हम माइनस वन लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, हमारे पास गैप की वैल्यू क्या है, माइनस वन है, ठीक है। अब हम मैच और मिसमैच देखना था, तो ये मिसमैच मैच है, तो डायगनल में मैंने क्या कहा था, मैच या मिसमैच की वैल्यू ऐड होगी, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे पॉजिटिव वन को, क्योंकि ये मैच है और मैच की वैल्यू है पॉजिटिव वन,
जहाँ मैच करेगा हम वहाँ पर पॉजिटिव वन देंगे, और जहाँ पर मिसमैच होगा, मैच नहीं कर रहा होगा, वहाँ पर नेगेटिव वन, यहाँ पर जो वैल्यू दी होगी हम उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जब हमने ये कर लिया तो टॉप में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, अब इस बॉक्स को फिल करना है, तो इस बॉक्स के टॉप में माइनस वन वैल्यू है तो वो हमने लिख ली है, और लेफ्ट में माइनस वन थी वो भी लिख ली है। अब इसमें क्या ऐड करना है, इसमें गैप की वैल्यू ऐड करनी है, तो गैप में क्या पड़ा हुआ है माइनस वन, तो यहाँ पर भी माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस वन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा वन और ये माइनस टू और ये भी माइनस टू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम क्या वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वन, जो नेगेटिव में होती है वो वैल्यू छोटी होती है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, इसके थ्रू हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम कहाँ से आ रहा है, डायगनल से आ रहा है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जाके बॉक्स में मैक्सिमम वैल्यू को एंटर कर देना है, और वो कहाँ से आ रही है उसकी तरफ एरो लगा देना है, तो वो आ रही है डायगनल की तरफ से, तो हमने डायगनल की तरफ एरो लगा दिया। अब हमने नेक्स्ट देखना है, इन दोनों को देखना है, तो ये मैच मिसमैच है, तो हम देखेंगे ये डायगनल, हम डायगनल की वैल्यू टॉप में क्या पड़ा हुआ है और लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है इस बॉक्स की वो फिल करना है। तो इस बॉक्स के डायगनल में पड़ा हुआ है माइनस वन, टॉप में पड़ा हुआ है माइनस टू, लेफ्ट में पड़ा हुआ है पॉजिटिव वन। तो हमने क्या करना है कि डायगनल में हमने ऐड करना है, अगर तो ये मैच और मिसमैच है तो उस वैल्यू को हमने डायगनल में ऐड करना है। तो हमारे पास ये मिसमैच है, तो डायगनल में मिसमैच की वैल्यू एंटर होगी, ऐड होगी, मिसमैच हमारे पास है माइनस वन, और जो टॉप है, टॉप में ऑलवेज टॉप और लेफ्ट में गैप की वैल्यू ऐड होगी, जो कि गैप हमारे पास माइनस वन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी माइनस वन, और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस वन माइनस वन, ये हो गया हमारे पास माइनस टू, ये माइनस थ्री और ये भी माइनस थ्री हमारे पास आ गया, ठीक है। यानी कि ये लेफ्ट में पड़ा हुआ है पॉजिटिव पॉजिटिव वन, ठीक है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ से हम मैक्सिमम फाइंड करेंगे, ये पॉजिटिव वन और माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में पॉजिटिव वन पड़ा हुआ है, गैप की वैल्यू माइनस वन थी, माइनस वन एंटर किया, तो ये जो है पॉजिटिव वन माइनस वन, ये क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो हमारे यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल रही है, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि और जो माइनस में वैल्यू होती है वो तो छोटी होती है, तो मैक्सिमम हमारा ज़ीरो हुआ, तो वो कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट की तरफ से आ रहा है, तो बॉक्स में हम एंटर कर देंगे ज़ीरो और लिख देंगे, एरो लगा देंगे, बता देंगे कि वो लेफ्ट की तरफ से आ रहा है। अब हमने नेक्स्ट चेक करना है जी, और इस बॉक्स को फिल करना है, इस बॉक्स के ऊपर क्या है ए, और रो में क्या पड़ा हुआ है जी, ये दोनों मिसमैच है, मैच नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायगनल की वैल्यू, डायगनल में क्या है, टॉप में क्या है, लेफ्ट में क्या है। डायगनल इस बॉक्स के टॉप में हमारे पास पड़ा हुआ है माइनस थ्री, डायगनल में पड़ा हुआ है इस बॉक्स के डायगनल में पड़ा हुआ है माइनस टू, और लेफ्ट में पड़ा हुआ है ज़ीरो, तो यहाँ पर हम दे देंगे ज़ीरो। डायगनल में हमने देख लिया ये मिसमैच था, तो हमने वैल्यू ऐड करनी है डायगनल में मिसमैच की, तो मिसमैच हमारे पास माइनस वन है, और यहाँ पर टॉप और लेफ्ट में ऑलवेज जो गैप की वैल्यू है वो एंटर हमने ऐड करते जाना है। तो ये हो गया हमारे पास माइनस थ्री, और ये भी ये हमारे पास हो गया माइनस फोर, और ये हमारे पास हो गया माइनस वन। तो यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है माइनस वन। आपको पता है कि माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होती है, तो ये माइनस वन हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये कहाँ से आ रहा है, हमने माइनस वन ऐड कर देना है यहाँ पे, इस बॉक्स में माइनस वन ऐड करेंगे, और ये कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट की तरफ से आ रहा है, तो हम यहाँ पर एरो दे देंगे लेफ्ट का। अब हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ऐसे ही हम लिखेंगे, इस बॉक्स को फिल करेंगे, हमने क्या करना है, डायगनल की वैल्यू लेनी है और टॉप की लेनी है, लेफ्ट की लेनी है। इस बॉक्स के डायगनल में पड़ा हुआ है माइनस थ्री, लेफ्ट में पड़ा हुआ है माइनस वन, और टॉप में पड़ा हुआ है माइनस फोर।
अब हमने ये देखना है मैच या मिसमैच है, इस बॉक्स के ऊपर देखा तो टी पड़ा हुआ है और इस बॉक्स की रो में देखा तो जी पड़ा हुआ है, तो ये दोनों मिसमैच है, मैच नहीं करते। तो मिसमैच डायगनल में फिर हम क्या ऐड करेंगे, मिसमैच को माइनस वन यहाँ पर आ जाएगा। और टॉप और लेफ्ट में हमने हमेशा गैप की वैल्यू को ऐड करना है, गैप हमारे पास है माइनस वन और यहाँ पर भी माइनस वन हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस फोर और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस फाइव और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस टू। तो यहाँ पर हम जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है माइनस टू, और ये माइनस टू आ कहाँ से रहा है, वो लेफ्ट की तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर माइनस टू को लिख देंगे और लिख देंगे लेफ्ट की तरफ से आ रहा है। अब फिर हम डी टी एल डायगनल में क्या, टॉप में क्या, लेफ्ट डायगनल, इस बॉक्स को फिल करना है। तो इस बॉक्स के डायगनल में क्या पड़ा हुआ है, माइनस फोर, टॉप में क्या पड़ा हुआ है, माइनस फाइव, लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है, माइनस टू, और देखना मैच या मिसमैच है। तो दोनों मैच कर रहे हैं तो डायगनल में क्या है, मैच की वैल्यू ऐड होगी, मैच में क्या पड़ा हुआ है, पॉजिटिव वन। तो उसके बाद हमने देखना है कि जो टॉप और लेफ्ट में हमेशा हमने गैप की वैल्यू ऐड करनी है, जो हमारे पास माइनस वन है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस थ्री, ये माइनस सिक्स और ये माइनस थ्री। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है माइनस थ्री, और ये माइनस थ्री आ कहाँ से रहा है, डायगनल से भी आ रहा है, लेफ्ट की तरफ से भी आ रहा है, ठीक है। ये माइनस थ्री डायगनल से भी आ रहा है, लेफ्ट की तरफ से भी आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस थ्री को ऐड कर देंगे और लेफ्ट की तरफ एक एरो दे देंगे और हम एक डायगनल की तरफ एरो दे देंगे, दो एरो आ जाएंगे। अगर ये टॉप की तरफ से भी आ रहा होता, यहाँ पर भी माइनस थ्री बन रहा होता, तो हमने क्या करना था, हमने यहाँ पर एरो ऊपर की तरफ हमने एरो दे देना था, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखना है, इस चीज़ को फिल करना है। तो यहाँ पर हम दे देंगे, अब फिर हम देखेंगे डायगनल में क्या है, टॉप में क्या है, लेफ्ट में क्या है, डायगनल में पड़ा हुआ है इस बॉक्स के डायगनल, इस बॉक्स को फिल करना है। इस बॉक्स के डायगनल में पड़ा हुआ है माइनस फाइव, टॉप में पड़ा हुआ है माइनस सिक्स, लेफ्ट में पड़ा हुआ है माइनस थ्री। तो हमने क्या करना है, ये चेक करना है, ये रो है हमारे पास और ये हमारे पास इस बॉक्स के ऊपर है सी, जी और सी दोनों मैच नहीं कर रहे, मिसमैच है। तो हम मिसमैच की वैल्यू माइनस वन ऐड कर देंगे, मिसमैच की वैल्यू, और यहाँ पर हमेशा गैप की वैल्यू ऐड होगी जो कि माइनस वन है, माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस सिक्स, ये हो जाएगा माइनस सेवन, ये हो जाएगा माइनस फोर, और यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, माइनस फोर। तो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे माइनस फोर, और ये कहाँ से आ रहा है माइनस फोर, लेफ्ट की तरफ से आ रहा है, ठीक है, ये माइनस फोर आ रहा है लेफ्ट की तरफ से। तो हम यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर एरो दे देंगे लेफ्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसको फिल करना है। तो इसको फिल करने के लिए हम सेम जो है ना तरीका करेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी आई थिंक आपको समझ आ रही है। तो यहाँ पर हम डायगनल में क्या दे देंगे, डायगनल में क्या पड़ा हुआ है, इस बॉक्स के डायगनल में क्या पड़ा हुआ है, माइनस सिक्स, ठीक है। और टॉप लेफ्ट, टॉप में पड़ा हुआ है माइनस, इस बॉक्स के टॉप पे पड़ा हुआ है माइनस सेवन, और लेफ्ट में पड़ा हुआ है माइनस फोर। और हमने क्या करना है, ये चेक करना है, जी और यू मैच नहीं करते, ठीक है, जी और टू, जी और यू मिसमैच है। तो मिसमैच की सूरत में हम मिसमैच की वैल्यू को ऐड करेंगे, डायगनल में मिसमैच माइनस वन है और इन दोनों में मिसमैच गैप की वैल्यू ऑलवेज एंटर होती है, ठीक है। डायगनल में वैल्यू चेंज होती रहती है, कभी मैच आ जाता है, कभी मिसमैच आ जाता है। डायगनल में कभी मैच की वैल्यू आ जाती है, कभी मिसमैच की। जब मैच होता है तो मैच की वैल्यू को ऐड कर देते हैं, जब मिसमैच होता है तो डायगनल में मिसमैच की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। लेकिन जो लेफ्ट और टॉप है उसमें हमेशा आपने गैप की वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास मैक्सिमम क्या आ रहा है, माइनस सेवन आ जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एट, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस फाइव। तो हम यहाँ पर माइनस फाइव एंटर कर देंगे जो कि आ रहा है लेफ्ट की तरफ से, ठीक है, जो लेफ्ट की तरफ से आ रहा है। उसके बाद हमने इस चीज़ को फिल करना है,
तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे डायगनल में क्या है, टॉप में क्या है और लेफ्ट में क्या है। इस बॉक्स के डायगनल में क्या पड़ा हुआ है, माइनस वन पड़ा हुआ है, और टॉप में क्या पड़ा हुआ है, पॉजिटिव वन पड़ा हुआ है, और लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है इस बॉक्स के, माइनस टू पड़ा हुआ है। अब हमने चेक करना है इस रो में आगे हम इस रो को फिल कर रहे हैं तो हमारी फिंगर यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगी, इस रो में आ जाएगी, और एक फिंगर हम यहाँ पर रखेंगे। इस बॉक्स के ऊपर क्या है जी, और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है इस रो में, ए। ये दोनों मिसमैच है, तो मिसमैच की सूरत में हम एंटर करेंगे, मिसमैच को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मिसमैच आ जाएगा, माइनस वन है, और बाकी गैप की वैल्यू हमेशा हमने क्या करना है, टॉप और लेफ्ट में गैप की वैल्यू आ जाएगी जो कि माइनस वन है, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस टू, और ये हमारे पास हो जाएगा जीरो, पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन जीरो, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस थ्री। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ रही है, जीरो। तो वो कहाँ से आ रहा है जीरो, हमारे पास आ रहा है टॉप से आ रहा है, जहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है हम उसकी तरफ एरो लगा देते हैं। अब ये जीरो आ रहा है टॉप की तरफ से, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट को फिल करना है, नेक्स्ट को भी हमने एज इट इज ही फिल करना है, ठीक है, वो भी बहुत इजी है, हम उसको भी देखते हैं। आप डायगनल में क्या पड़ा हुआ है, टॉप में क्या पड़ा हुआ है और लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है। डायगनल में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, इस बॉक्स के डायगनल में पॉजिटिव वन है, और टॉप में भी और लेफ्ट में भी जीरो है, ठीक है, पॉजिटिव वन जीरो जीरो। इसमें हमने देखना है ये मैच या मिसमैच है, ए और सी, हमारी फिंगर आ जाएगी सी के ऊपर, ठीक है, ए और सी दोनों मैच नहीं करते, ठीक है, दोनों मैच नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये मिसमैच की वैल्यू, तो मिसमैच की वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जाएगी, और यहाँ पर गैप आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो, और यहाँ पर क्या हमारे पास आ जाएगा, वेट, हाँ ज़ीरो ही आता है, ठीक है, पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन ज़ीरो, और ये माइनस वन और ये भी माइनस वन, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है ज़ीरो, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आ कहाँ से रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है डायगनल की तरफ से, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है डायगनल की तरफ से, तो हम यहाँ पर ज़ीरो को एंटर कर देंगे और यहाँ पर डायगनल लगा देंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज ऐसे ही निकालनी है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, और ये सारी वैल्यूज आप निकाल लेंगे, और ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद हमारे पास ये चीज़ ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। जब आपके पास ये पूरा बन जाएगा तो आपने क्या करना है, आई मीन ये सारा आपने फिल कर लिया है, ठीक है, इस तरह से आपने खुद ही अभी फिल करना है, ठीक है, जैसे मैंने बताया है इतना तो हमने कर लिया, ठीक है। और ये नेक्स्ट जब आप ऐसे ही करते जाएंगे, ऐसे ही वैल्यूज़ को निकालते जाएंगे ऐड करके, मैक्सिमम कौन है क्या है, तो वो फिर आप ऐड करते जाएंगे, जहाँ जहाँ से वैल्यू आएगी वहाँ पे ऐड उस तरफ वैल्यू लगा देंगे। और अब हमने क्या करना है कि अब हमने अलाइनमेंट निकालनी है, बेस्ट अलाइनमेंट फाइंड करनी है, तो कितनी अलाइनमेंट्स बन रही हैं, कौन सी बेस्ट है, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो निडरमैन वॉन्च एल्गोरिथम में अलाइनमेंट को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ ये एरो जिस तरफ भी होगा हमने उसकी तरफ मूव करना है। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो एरो कहाँ पर जा रहा है, डायगनल की तरफ, तो हमने फिर आगे इस बॉक्स की तरफ फील कर दिए, वो एरो हमें बता रहा है कि आपने इधर मूव करना है। अब ये फिर एरो हमें डायगनल की तरफ जाने को कह रहा है, तो हम फिर इस बॉक्स को फील कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास टू चॉइसेस हैं, डायगनल की तरफ भी जा रहा है, अब टॉप की तरफ भी जा रहा है, एरो दो तरफ जा रहा है, अब हम किस तरफ मूव करें, मूव तो हमें दोनों तरफ ही करना है, ठीक है। जब हमारे पास टाइम शॉर्ट है और हमें कहा गया है कि आपने बेस्ट अलाइनमेंट फाइंड करनी है, ठीक है, बेस्ट अलाइनमेंट, नो मैटर कितनी अलाइनमेंट्स बन रही हैं, आप बस बेस्ट अलाइनमेंट बता दें, अगर क्वेश्चन में ये कहा गया तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से, आपको पता है बेस्ट अलाइनमेंट कैसे फाइंड करते हैं, जब हम अलाइनमेंट को निकाल लेते हैं तो जो उस अलाइनमेंट के हमारे पास जो होता है उस
अलाइनमेंट का जो हमारे पास मैक्स स्कोर होता है, जो मैक्सिमम स्कोर होगा, जिस अलाइनमेंट का मैक्सिमम स्कोर निकलेगा वो हमारे पास बेस्ट अलाइनमेंट होती है। आपको आई थिंक अभी समझ नहीं आ रही, जब हम मैं कर लूँगी ना तो आपको मैं बता दूंगी कि बेस्ट अलाइनमेंट कैसे फाइंड हुई, स्कोर वगैरह मैं अभी बताती हूँ आपको, बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी, जो हमारे पास दो चॉइसेस हैं लेफ्ट और डायगनल की तरफ मूव करने में, आप हमेशा आई मीन जब लेफ्ट टॉप की भी अपॉर्चुनिटी चॉइस हो तो आपने डायगनल नहीं जाना, टॉप या लेफ्ट मूव कर देना है। क्यों? तब हमारी बेस्ट अलाइनमेंट बनती है, ठीक है। तो अब हमने ये इसकी तरफ ही मूव करेंगे, बाद में जाएंगे, पहले हम बेस्ट अलाइनमेंट फाइंड करनी है ना, तो हमारा स्कोर ज़्यादा आएगा, डायगनल की तरफ मूव नहीं करेंगे हम, ऊपर टॉप में मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो हमने टॉप की तरफ मूव कर लिया, हमने इस एरो को नहीं देखा, डायगनल को नहीं गए, डायगनल को भी जा सकते थे और जाना भी है, लेकिन वो अलाइनमेंट हम वो भी अलाइनमेंट बनाएंगे बाद में करेंगे, फर्स्टली हम वो देख रहे हैं जो बेस्ट अलाइनमेंट बन रही है हमारी। अब हम ये हमें कह रहा है डायगनल की तरफ मूव करो, तो हम डायगनल की तरफ मूव कर देंगे। अब ये भी हमें कह रहा है डायगनल की तरफ, तो अब फिर हम डायगनल, और ये हमें फिर डायगनल की तरफ जाने को कह रहा है तो हम डायगनल। अब ये एरो हमें लेफ्ट की तरफ लेकर जा रहा है तो हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। अब इस ये हमें डायगनल में दे रहा है, कह रहा है, और डायगनल में ज़ीरो पड़ा हुआ है, जब ज़ीरो आ गया है तो हमने अब ये अब हम लास्ट पे आ गए हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर फिनिश कर दिया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने अपनी अलाइनमेंट बनानी है, ठीक है, वो हम बना लेते हैं। अब एक दफ़ा हमने ये हमारी बेस्ट अलाइनमेंट जा रही है, ठीक है, बेस्ट अलाइनमेंट जा रही है। अब हम ना कुछ शॉर्ट सा, मतलब आपने स्केच पेंसिल के थ्रू आप कुछ लगा लेना कि लाइक कैसे इसको करना है, जो भी स्केच पेंसिल है उसके साथ आप लिख लेना, बाद में आप रिमूव कर देना, मैं आपको बताती हूँ ये अलाइनमेंट कैसे बनेगी, ठीक है। अब ये बेस्ट अलाइनमेंट हम पहले फाइंड कर लेते हैं, ये हमने यहाँ पर फिंगर रखनी है और एक यहाँ पर फिंगर रखनी है, ठीक है। यहाँ ये वाला हम देख रहे हैं ना एरो, तो ये डायगनल की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, डायगनल की तरफ मूव कर रहा है, तो हमने यू और ए लिख देना है, ठीक है, यू और ए हमने लिख दिया। अब ये भी हमारे पास डायगनल की तरफ मूव कर रहा है और हमने फिंगर उठाई ऊपर आए और यहाँ पर, ठीक है, तो डायगनल की तरफ मूव कर रहा है तो सी और सी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। आपने जो जो ले रहे हैं उसको ऊपर नीचे ही लिखना है, ठीक है। अब हमने फिंगर उठाई यहाँ पर रखी और फिंगर उठाई यहाँ पर रखी। अब हमने चेक करना है जी और ए, अब ये डायगनल को नहीं मूव कर रहा, ठीक है। जब डायगनल में वैल्यू जा रही है आपने दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख लेना है, जब एरो डायगनल में है दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई हैं, ठीक है। यू और ए आ गया था, फिर डायगनल में जा रहा था सी और सी आ गया था। अब हम यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारी फिंगर है, एक ये है और एक ये है। अब हमने जी और ए लिखना है। अब हम जब टॉप पे जा रहे हैं, डायगनल में जाते तो हमारी दोनों वैल्यूज आ जानी थी, लेकिन अब हम डायगनल में मूव कर ही नहीं रहे, तो अब हमने अब जिसकी तरफ एरो है वो वाला गैप आ जाएगा। अब टॉप की तरफ एरो है तो टॉप की तरफ एरो होने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिसकी तरफ एरो होगा हमने उसे क्या करना है, उसको हमने यहाँ पर गैप लगा देना है, ठीक है, ये माइनस का जो भी निशान लगा देना है, ठीक है। अब एरो ऊपर की तरफ था तो हम ऊपर को की तरफ मूव किया ना हमने, ठीक है, यहाँ पर हम स्टार बना लेते हैं, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। छोटा सा मैं ना यहाँ पर कुछ भी मैं यहाँ पर स्टार बना लेती हूँ, ठीक है, ये भी स्टार है, यानी कि ऊपर को जा रहा है तो ये भी स्टार है कि ये अलाइनमेंट हमारी ऐसे जा रही है, ठीक है। ये हमने इतना कर दिया, ठीक है, स्टार कहाँ को मूव कर रहा है, ऊपर को मूव कर रहा है। ये आप लेड पेंसिल से कर लीजिएगा, आपको अभी आई थिंक समझ नहीं आ रही होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगी, दोबारा बताऊंगी कमेंट वगैरह में जो भी आपको इशू हुआ तो आपको समझ आ जाएगी। अब हमने जब ऊपर को जा रहा है तो ऊपर को तो दो एरो थे, लेकिन हम ऊपर को जा रहे हैं मूव कर रहे हैं टॉप में, तो जिसकी तरफ एरो है
डायगनल में है तो वो एज इट इज दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, डायगनल में है तो ये आप चीज नोट कर लें, जैसे भी आई मीन आपको समझ आ रही है ना, आप अपनी वर्डिंग में इसको नोट कर लें। जब एक दफ़ा नोट कर लेंगे, एक दफ़ा आप खुद करेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। तो आपने जब अपने ऊपर टॉप में मूव किया तो उसके बाद आपने ये लिख लिया, तो आपने यानी कि यहाँ से नहीं मतलब मूवमेंट करनी कहीं भी, आप उठ के यहाँ पर आओ, ठीक है। यहाँ पर आपने इसकी तो वैल्यू लिखी नहीं, यहाँ पर ये था वो आपने लिख लिया, लेकिन आपने फिंगर यहाँ पर रख ली, इस अभी ये यहाँ पर ही है, यानी कि दो थे यहाँ पर तो आपने फिंगर यहाँ पर ही रखी है, ठीक है। जी को तो हमने लिखा नहीं है, तो अब ये हमें डायगनल की तरफ जाने को कह रहा है। तो आपको मैंने बताया था जब भी डायगनल मूव करेगा एरो तो वो दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे, जी और टी एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर स्टार हमारा जा रहा है तो टी और टी, ये डायगनल में मूव कर रहा है, टी और टी हमारा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये है और ये है, ये फिर डायगनल को जा रहा है, डायगनल में जब आता है तो वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। एज इट इज दोनों करेक्टर्स आ जाएंगे। अब ये सी और ये जी है, ये डायगनल की तरफ नहीं है, एरो लेफ्ट की तरफ है। जिस तरफ एरो होगा, जिस सीक्वेंस की तरफ एरो होगा, जिस तरफ एरो होगा हम वहाँ पर डैश लगा देंगे, ठीक है। तो ऊपर जो सी है वो तो एज इट इज आ जाएगा, एरो तो इस तरफ है तो यहाँ पर हम डैश लगाएंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हमने अपनी फिंगर यहाँ पर ही रखनी है, यानी कि अपनी फिंगर यहाँ पर ही रखनी है, बट ये वाली फिंगर हम उठा के यहाँ पर रख लेंगे। अब ये दोनों डायगनल की तरफ, ये डायगनल की तरफ एरो है तो ये दोनों आ जाएंगे एज इट इज, जी और जी। जब डायगनल में होता है ना, डायगनल को हम देखते हैं, डायगनल की वैल्यू लिखते हैं, तो डायगनल में क्या होता है बच्चों, डायगनल में हम मूव करते हुए वो दोनों करेक्टर्स एज इट इज आ जाते हैं, लेकिन अगर वो डायगनल में मूव नहीं कर रहा है, टॉप में मूव कर रहा है या लेफ्ट में मूव कर रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, आई थिंक ये आपको पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर ए आएगा, ये जी है, ये टी है, ये भी टी है, ये भी टी है, ये ए है, ठीक है, ये सी जी और जी, ठीक है। अब मैंने कहा था अगर एरो डायगनल में है तो वो दोनों करैक्टर एज इट इज आ जाएंगे, जो भी है मतलब वो आ जाएंगे, आपने अपनी वर्डिंग में लिख लेना है, ठीक है, रफ वर्किंग में। और अगर लेफ्ट की तरफ है तो क्या होगा, वहाँ पर डैश आ जाएगा, उस सीक्वेंस में डैश आ जाएगा, और अगर टॉप में है तो भी डैश आ जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, नोट कर लें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, बार बार इसको देखें क्या हो रहा है। अब हम यहाँ पर मूव कर गए थे, अब हमने मूव करना है इस तरफ से, ठीक है। जितने हमारे एरो होते हैं उतने ही हमारी वो बनती है, ठीक है। यहाँ पर ये हमने स्टार लगाया था, ये हमारी ये लाइनमेंट जा रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो इस तरफ डायगनल का मूव करना है तो हमने, मैंने यहाँ पर डॉट लगा लिया, ठीक है, डॉट इस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब डॉट को दो चॉइसेस हैं, वो ऊपर भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, तो पहले हम कहाँ मूव करेंगे, टॉप की तरफ। अगर लेफ्ट की तरफ आ रहा होता तो लेफ्ट की तरफ जाते, लेकिन ये डायगनल की तरफ भी तो जा रहा है, बट हमने अभी डायगनल में नहीं जाना, अभी हम डायगनल में आए हैं, ठीक है, लेकिन टॉप की तरफ मूव करेंगे, टॉप की तरफ मूव कर लिया, क्योंकि यहाँ से हमारी बेस्ट अलाइनमेंट, बेस्ट स्कोर बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एरो मैंने कहा कि ये टॉप ऊपर एरो डॉट गया है, यहाँ से यहाँ डॉट गया है, तो ये टॉप की तरफ है, एक डॉट यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे ऐसे ये जाते जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि ये जो लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, हम ये पहले लगा लेते हैं तो फिर हम अलाइनमेंट बना लेंगे, ठीक है। हमारे पास आई थिंक तीन अलाइनमेंट बनेगी। अब ये वाला एरो ऊपर की तरफ था तो डॉट ऊपर की तरफ मूव कर गया, अब हमने इसकी तरफ भी जाना, कोई निशानी वगैरह रख लेते हैं हम, यहाँ पर हम मैं एफ लगा देती हूँ, ठीक है। आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना, आप लेड पेंसिल स्केच पेंसिल के साथ ये छोटा सा लिख लेंगे अपनी आसानी के लिए, और बाद में उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है।
और यहाँ पर भी मैंने, अब मैं डायगनल की तरफ मूव कर रही हूँ, डायगनल में यहाँ पर एफ आया, अब फिर ये जाकर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, एफ एफ, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी मतलब जो तो जहाँ जहाँ पर एरो था हमने वो मिला लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऐसे ही लिख दें, एंड पे एफ ऐसे कर दें, ठीक है। आपको मैं पहले बताती ना तो आपको समझ नहीं थी आनी, आपका मिक्सअप आ जाना था, ये यहाँ पर क्या हो रहा है ये। अब आपने क्या करना है, हमने जो स्टार वाली अलाइनमेंट थी वो तो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। हमारे पास एक अलाइनमेंट बन गई है जो यहाँ पर स्टार ऐसे मूव कर रहा था। अब फिर हमने शुरू से देखना है, आप उठा रहे डॉट वाली अलाइनमेंट को और डॉट को उठा रहे, ठीक है। डॉट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये मैंने यहाँ पर डॉट लगाया हुआ है, ये आपको अगर नज़र आ रहा हो, ये डॉट है और ये डॉट। अब हम स्टार्टिंग से यानी कि सारा लिखेंगे, यू और ए, ठीक है, यू और ए हमने यहाँ पर लिख दिया, ये डॉट वाली अलाइनमेंट हम लिखेंगे, यू ए, ये डायगनल में था तो डायगनल में वो एज इट इज दोनों आ जाएंगे, और इसके बाद ये सी और सी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं, अब हमने स्टार की तरफ मूव कर लिया था, ऊपर चले गए थे, अब हम डॉट की तरफ मूव करेंगे, इसमें इस तरफ मूव करेंगे, आई मीन डायगनल की तरफ। तो डायगनल में पता है कि वो दोनों एंटिटीज आ जाते हैं, ठीक है, जी और ए, लेकिन लास्ट टाइम हमने ऐसा नहीं किया था, ऊपर गए थे, तो ऊपर जाने के लिए हमने क्या किया था, जब टॉप का एरो होता है, लेफ्ट का एरो होता है, तो हम वहाँ पर डैश लगा देते हैं, जिस तरफ एरो होता है उस सीक्वेंस का लिखते हैं, और बाकी दूसरा करेक्टर एज इट इज आ जाता है, और जिस तरफ होता है एरो उसकी तरफ डैश आ जाता है। अब ये डायगनल की तरफ जा रहा था, ठीक है, डायगनल की तरफ मैंने यहाँ पर आपको बताया है डॉट लगाया हुआ, तो उसके बाद ये डॉट यहाँ पर है, ठीक है। आप देखिए आपने डॉट कहाँ पर लगाया, यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर मैं मूव कर गई, तो ये डॉट है, डॉट अब कहाँ जा रहा है, ऊपर को मैंने कर दी, डॉट आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ऊपर। अब हमारे पास एफ की तरफ भी मूव कर सकते हैं डॉट की, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर डॉट लिखा हुआ था, डॉट पीछे से आ रहा है, यहाँ पर भी डॉट है, यहाँ पर भी डॉट है, ठीक है। तो डॉट ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब है मैंने टॉप की तरफ मूव किया है, ना कि लेफ्ट की तरफ। अगर लेफ्ट की तरफ यहाँ पर एफ है, तो एफ आपको किस बॉक्स में नज़र आ रहा है, यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है वो डायगनल की तरफ है, लेकिन पीछे से हम डॉट को लिखते आ रहे हैं, यानी कि हम डॉट वाली अलाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है टी और टी था, तो ये ऊपर को तो को जा रहा है, ठीक है, आई मीन टॉप की तरफ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर को मूव किया है टॉप में, पहले हम मूव कर रहे हैं बेस्ट अलाइनमेंट के लिए, तो हमने क्या किया, जिसकी तरफ मूव कर रहे हैं ऊपर वाले सीक्वेंस में, हम डैश लगा देंगे, और यहाँ उस वो फिंगर वैसे ही वहाँ पर टिकेंगे, उसको आगे पीछे नहीं करेंगे, फिंगर वहाँ पर ही होगी, और हम ये फिंगर उठा के यहाँ पर रख देंगे। अब ये जो डॉट है इस इधर आ रहा है, मतलब यहाँ पर एक ही एरो था, डायगनल की तरफ जा रहा है, तो टी और टी दोनों यहाँ पर, तो हमने ये वाला टी यहाँ पर तो लिखा नहीं है, मतलब यहाँ पर ऊपर जब गए थे तो यहाँ पर तो डैश आ गया था, और यहाँ पर हमने टी नहीं लिखा था, अब ये टी और टी हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर है तो ये हमें कहाँ पर जाने की कह रहा है, डॉट, डॉट यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम ये फिंगर उठा के यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, मैच है, ठीक है, तो डायगनल भी है, तो हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हमें यहाँ पर आने को कह रहा है डायगनल में, तो ये एरो जा रहा है लेफ्ट की तरफ, ठीक है, लेफ्ट, ये वाली सीक्वेंस और नीचे वाली सीक्वेंस, हम इस सीक्वेंस को नीचे लिख रहे हैं और इस सीक्वेंस को ऊपर लिख रहे हैं, और ये एरो इस तरफ है, तो इस तरफ यहाँ पर डैश आ जाएगा, और हमारी फिंगर ये वाली जो फिंगर यहाँ पर हमने डैश लगाया है, इस तरफ वाली यहाँ पर फिंगर ऐसे ही रहेगी, हम यहाँ पर उठाकर यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ पर क्या पड़ा था, सी और जी ये ऐसी टेज आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी कि हमने इसको कैसे किया है, ठीक है, यहाँ पर ये डॉट है, ठीक है, तो इतना तो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाली अलाइनमेंट निकालनी है, एफ वाली, ठीक है।
अब दोबारा हम देखेंगे जी और ए को, सॉरी यू और ए को, हम यहाँ से स्टार्ट, दोबारा स्टार्टिंग यहाँ पर ही आए हैं। जो हमने बना ली है उसको नहीं देखना, स्टार वाली बना ली थी उसकी तरफ मूव नहीं करना, डॉट वाली बन गई है ये देखो डॉट वाली बन गई है उसकी तरफ मूव नहीं करना। अब हमारे पास एक एफ रह गया है, ठीक है, ये एफ रह गया। अब ये वाली अलाइनमेंट बनाने लगे हैं, आपने ये जो मैंने स्टार एफ डॉट वगैरह लिखा है ना, आपने इसको लेड पेंसिल से या स्केच पेंसिल के साथ कर लेना है और बाद में आप रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हमने यू और ए को देखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा यू और ए एज इट इज आ जाएगा, डायगनल की तरफ मूव कर रहा है। अब यहाँ पर फिर हम डायगनल में चले जाएंगे, सी और सी ऐसे ही आ जाएगा, और फिर हम ऊपर डायगनल की तरफ जा रहे हैं, तो डायगनल की तरफ जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर ये वाला हमारा एफ रहता है ना अभी, तो हम डायगनल की तरफ मूव करेंगे ना, आई मीन यहाँ से इस तरफ जाना है, ये ऊपर वाले, तो यहाँ पर तो सब कुछ फिल हो गया ना ये वाला, अब हमने यहाँ पर मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ के जो डॉट है हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं, यहाँ पर हमारा एक एफ रहता था, अब हमने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सी और सी हो गया, अब हमारे पास जी और ए है, डायगनल की तरफ जा रहे हैं, तो वो एज इट इज़ करेक्टर्स आ जाते हैं, जी और ए हमारे पास ऐसे आ जाएगा। इसके बाद जब हम यहाँ से यहाँ पर आए हैं तो ये टी और यहाँ पर हमने फिंगर रख लिया। अब हम एफ की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, एफ किस तरफ है, यहाँ पर है, तो इसका मतलब हम डायगनल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर टी और टी आ जाएगा, और फिर हमने फिंगर उठाई यहाँ पर रखी, और ये ऊपर एफ कहाँ पर जा रहा है, टॉप की तरफ जा रहा है, ठीक है, एफ ये वाला एफ टॉप की तरफ मूव कर रहा है। तो जहाँ पर मूव कर रहा है, जो सीक्वेंस की तरफ मूव कर रहा है, ये सीक्वेंस ऊपर वाली सीक्वेंस है, ऊपर वाली सीक्वेंस में डैश आ जाएगा, और इसके इस तरफ वाली टी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और फिंगर हमारी वहाँ पर, जिस तरफ हमने डैश लिखा फिंगर हमारी वहाँ पर ही होगी, फिर हमने यहाँ पर फिंगर रखी है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, इस एफ डायगनल, एफ कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये है डायगनल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, ए और ए दोनों डायगनल, ए और ए ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि डायगनल की तरफ मूव कर रहे हैं, और जब हमने फिर हम यहाँ पर आए हैं, ठीक है, अब ये हमारे पास लेफ्ट की तरफ जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है ये वाली सीक्वेंस की तरफ जा रहा है, और ये वाली सीक्वेंस हम नीचे लिख रहे हैं, और वहाँ पर डैश आ जाएगा, और ये सी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पर हमने डैश लगाया, जिस सीक्वेंस पे हमने डैश लगाया, वो हमारे पास वहाँ पर हमने फिंगर को कुछ भी नहीं करना, वो ऐसे ही वहाँ पर रहेगी। अब हमने ये दोनों देखना है, जी और जी लिख देंगे क्योंकि डायगनल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, तीन अलाइनमेंट हमारे पास बन चुकी हैं, तो ये वाली अलाइनमेंट हमने बनाई है एफ वाली है, ठीक है। आप अपने तीन अलाइनमेंट्स बना ली हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आप आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसका स्कोर फाइंड करना है, इस अलाइनमेंट का पहले स्कोर फाइंड कर लेंगे। अब जो मैच है वहाँ पर हम मैच की वैल्यू को लिख देंगे और इनको ऐड कर देंगे, वन प्लस ये गैप है, गैप में क्या पड़ा हुआ है, माइनस वन, तो हम माइनस वन दे देंगे, और इसके बाद ये दोनों मैच हैं, ये मैच है, ये भी मैच है, ये मैच है, ठीक है। तो ठीक है, वन ये पॉजिटिव वन प्लस ऐड किया माइनस वन को, ये मैच कर रहा है, तो हम लिख देंगे प्लस वन, मैच की वैल्यू प्लस वन है तो हम दे देंगे, और इसके बाद फिर मैच कर रहा है तो हम प्लस वन लिख देंगे, और ये मिसमैच है, मिसमैच माइनस वन है, और ये हमारे पास गैप है, गैप हमारे पास माइनस वन है, उसकी वैल्यू मैच है, मैच की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव वन है तो हम पॉजिटिव वन दे देंगे, ये मिसमैच है और मिसमैच की वैल्यू माइनस वन है। जहाँ पर डैश होगा हम वहाँ पर गैप की वैल्यू को ऐड करेंगे, और जहाँ पर मिसमैच होगा उस पर हम मिसमैच की वैल्यू, और जहाँ पर मैच होगा मैच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जहाँ पर डैश होगा वहाँ पर गैप की वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। यहाँ पर गैप है ना, मतलब कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, गैप दिया हुआ है, तो वहाँ पर गैप की वैल्यू जो भी होगी हम उसको लिख देंगे। अब हमारे पास जो स्कोर आ जाएगा, यानी कि स्कोर इक्वल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो स्टार का, यहाँ पर हमारे पास जो स्कोर आ रहा है, तो आप इसको करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर के साथ भी, वैसे मैं आपको मतलब बता रही हूँ,
ये तो छोटी सी वैल्यू है, इजीली हम कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आप कोई मिस्टेक ना करें। पॉजिटिव वन और पॉजिटिव वन, वन टू थ्री फोर पॉजिटिव वन है और नेगेटिव वन। वैसे भी आपको मैं वैसे कह रही हूँ कि आप कैलकुलेटर भी कर लेंगे ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। पॉजिटिव वन और ये प्लस माइनस वन, नेगेटिव वन और फिर पॉजिटिव वन और फिर पॉजिटिव वन, फिर नेगेटिव वन, नेगेटिव वन, पॉजिटिव वन, नेगेटिव वन, हमारे पास स्कोर क्या आ रहा है? ज़ीरो। ठीक है, तो हमारे पास स्कोर आ रहा है ज़ीरो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ज़ीरो। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकालेंगे तो ये मैच है। ठीक है, इसके साथ लिख लेते हैं स्कोर। आई थिंक इनकी स्कोर तीनों की इक्वली आ रही है, तो लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास जो यहाँ पर तो सबकी सेम है, ठीक है, स्कोर सेम है, तो बेस्ट अलाइनमेंट है, ये बेस्ट अलाइनमेंट है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉजिटिव वन है और गैप माइनस वन और मैच पॉजिटिव वन और गैप जो है ये पॉजिटिव वन और माइनस वन, ये मिसमैच है तो माइनस वन, मैच है तो पॉजिटिव वन और मिसमैच है तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम नेगेटिव वन। आप यहाँ पर ये देखो, मैं इजी तरीका आपको बताती हूँ। एक दो तीन चार, चार आपके पास मैच है। ठीक है, आप क्या करो, सिंपली चार आपके पास मैच है तो मैच आप फोर लिखें और मैच की वैल्यू क्या है, मैच की वैल्यू पॉजिटिव वन है, यहाँ पर पॉजिटिव वन दे दें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो गैप क्या है, दो पॉजिटिव लिखें टू और गैप की वैल्यू क्या है माइनस वन, वो दे दें। आप फिर प्लस लिखें और जो मिस मैच है उनको काउंट कर लें, वन टू, मिस मैच हमारे पास टू है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे टू और उसकी वैल्यू दे देंगे। अब ऐड कर लें, फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर और ये टू, ये हमारे पास आ जाएगा फोर माइनस टू माइनस टू, जो कि इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये इजी वे है, ये बेस्ट है। आप ये ऐसे इतना गर्म आने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैच है, ये मैच है एंड ये मैच है, तो आप इस तरह से स्कोर फाइंड कर लेंगे, ये इजी है। वन टू थ्री, थ्री लिखो और मैच की वैल्यू को ऐड कर यहाँ पर लिखो, मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ और गैप कितने हैं टू हैं तो टू और गैप की वैल्यू माइनस वन, वो दे दो और उसके बाद प्लस करो, कितने काउंट कर लो, सॉरी ये वन, वन टू थ्री फोर, फोर थे हमारे पास मैच। अब हमारे पास जो मिस मैच है, एक ये है और एक ये है, तो ये टू आ जाएगा और मिस मैच की वैल्यू माइनस वन दी हुई है, जो वैल्यू दी होगी आपने वो ले लेनी है। अब ये हमारे पास आ जाएगा फोर, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस टू, माइनस टू, तो ये आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, फोर और माइनस फोर पॉजिटिव फोर, नेगेटिव फोर, ज़ीरो आ जाएगा। ये स्कोर भी ऐसे ही निकालनी है, एक दो तीन चार हमारे पास मैच हैं, उसकी वैल्यू है पॉजिटिव वन मैच की और जो गैप है हमारे पास वो टू है वन और टू और उसकी वैल्यू माइनस वन और जो हमारे पास मिस मैच है वो भी टू है। ठीक है, यहाँ पर जो है वैल्यू सबकी आई मीन मैच मिस मैच कम्प्लीटली आई मीन सेम है। ठीक है, मैच भी उतने आ रहे हैं, मिस मैच भी, गैप भी उतने ही आ रहे हैं, तो सबकी स्कोर ज़ीरो आ रही है, लेकिन हमारे बेस्ट अलाइनमेंट ये सारी मतलब जो स्कोर ज़ीरो, आई मीन जो स्कोर सबसे बड़ा होता है, आई मीन यहाँ पर आ जाता है, आई मीन इसका स्कोर आ जाता है फाइव और यहाँ पर आ जाता है टू और यहाँ पर आ जाता है वन, या यहाँ पर आ जाता है फोर स्कोर, तो जो सबसे बड़ा स्कोर था इसका मैंने बताया, तो वो फिर क्या होगा कि मतलब वो हमारी बेस्ट अलाइनमेंट हो जाती। लेकिन यहाँ पर सबका स्कोर सेम है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, इसका भी ज़ीरो है और इसका भी ज़ीरो है, तो क्या है हमारे पास, ये तीन अलाइनमेंट बनी है, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, आपने ये गन मारने की ज़रूरत नहीं है, आई मीन यहाँ पर जो आप क्या उसे कहते हैं डॉट स्टार, ये बस मैंने आपको वैसे ही बताया है। ठीक है, आई मीन इतना बच्चों को समझ नहीं आती, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे
तो आपको इंशाल्लाह इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।